हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा आज आपके सामने लाई है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। तो ये संवहन तरंग सिद्धांत पर्वतों के निर्माण से संबंधित है। अगर मैं इसकी सिद्धांत की बात करूं तो ये सिद्धांत भी पर्वत निर्माण से संबंधित है। ठीक है, अब ये सिद्धांत दिया कब था होम्स ने? तो ये सिद्धांत दिया था, ये दिया था 1928 और 29 में, 1928 से 29 के बीच उन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। अगर आगे होम्स का जो सिद्धांत है वो वेव्स पर आधारित है, यानी जो हमारे पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में वेव्स चलती हैं उस पर पूरी तरह से ये आधारित है। अगर मैं वेव्स की बात करूं तो ये होती क्या है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है दो मंडलों में विभक्त है। अगर मैं पूरे पृथ्वी की बात करूं, वैसे तो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा है तो उसमें ये देखा है कि तीन परतें पाई जाती हैं। ठीक है, क्रस्ट, मेटल और कोर, है ना। लेकिन अगर हम मेटल और कोर को एक ही माने तो अधोस्तर माना जाता है आंतरिक हिस्सा, यानी कि वो पूरा आंतरिक हिस्से में आता है, क्रस्ट हो गया एक अधोस्तर। तो अगर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना कितने वहन दो मंडलों में विभक्त है और दो मंडल तीन परतों में विभक्त है, इसमें एक और सब छोड़ सकते हैं, दो मंडल और तीन परत। ठीक है, यानी तीन परतों में और दो मंडलों में विभक्त है। अगर मैं परत की बात करूं तो जो हमारे मन परत हैं वो दो पाई जाती हैं, तीन परत हैं। पहला आता है क्रस्ट में, क्रस्ट में अगर सिंपल अगर कहें तीन परत होती है, इसमें सिंपल करूं तीन परतों में पहला आता है हमारा ऊपरी परत, दूसरा आता है मध्यवर्ती परत और तीसरा आता है हमारा निचली परत। ठीक है, अब इन तीनों परतों में अगर बात करें तो जो ऊपरी परत है ये 10 से 12 किलोमीटर की गहराई तक मानी जाती है, ये जो मानी जाती है ये 20 से 25 किलोमीटर की गहराई तक, और निचली परत है ये इसकी गहराई पूरी क्रस्ट यहाँ से लेकर 25 किलोमीटर से क्रस्ट जहां तक पाई जाती है वहां तक, लगभग 40-50 किलोमीटर की गहराई तक माना जाता है क्रस्ट है, तो उस क्रस्ट तक ये जो है मानी जाती है। अब निचली परत जो है इनके अलग अलग नाम भी आने आते हैं। अगर मैं ऊपरी परत की बात करूं तो ऊपरी परत को बोला जाता है मैगो गैनोडिनाइट, ऊपरी परत जो है हमारी कहलाती है गैनोडियोराइट। ठीक है, ऊपरी परत का मैं इधर साइड से लिख दे रही हूँ, ऊपरी परत कहलाती है हमारी गैनोडियोराइट। ठीक है, मध्यवर्ती परत कहलाती है एम्फीबोलाइट, मध्यवर्ती परत इसको बोलते हैं एम्फी वो लाइट। ठीक है, और जो हमारी निचली परत है इसको बोलते हैं एग्लोजाइट, एग्लोजाइट। ठीक है, गैनोडियोराइट, एम्फीबोलाइट और एग्लोजाइट, ये तीन परतें पाई जाती हैं और ये तीनों ही परत किससे संबंधित मानी जाती हैं? ये गलत, ये तीनों ही परत जो मानी जाती हैं वो मुख्य रूप से क्रस्ट से संबंधित मानी जाती हैं। यानी क्रस्ट में तीन परतें पाई जाती हैं, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत। ठीक है, और इन तीनों परतों में दूसरा अगर मैं इसको बोलूं कि अगर इनको बांटा जाए तो हम इसको दो में बांट सकते हैं, सियाल और सीमा। ठीक है, और निफे हमारा किस में आ जाएगा, अधोस्तर में। तो इनकी इनको तीन भागों में बांटा जाता है, स्याल और सीमा जो है वो क्रस्ट में आती है, नॉर्मल है जो तुमने पढ़ रखा है, स्याल सीमा निफे या क्रस्ट मेटल कोर, है ना। तो जो स्याल सीमा है वो किस में आती है, हमारी क्रस्ट के अंदर आती है, और उस क्रस्ट में तीन परतें पाई जाती हैं, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत। और इन तीनों के रासायनिक नाम है गैनीडियोराइट, एफीबोलाइट और एग्लोजाइट। ये तीन ये किस आधार पर नाम रखे गए हैं, ये रखे गए हैं रासायनिक तत्वों के आधार पर। ठीक
कि कौन से रासायनिक तत्व कहाँ पाए जाते हैं उस आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, तो ये तरह से शैलों के नाम है। और नेक्स्ट आता है हमारा अधोस्तर। अधोस्तर यानी क्रस्ट से नीचे का भाग। अगर हम बात करें अब आगे अधोस्तर में क्रस्ट में, तो हमारे क्रस्ट है इसमें रेडियो सक्रियता अधिक, लेकिन जो हमारे क्रस्ट है, क्रस्ट की कंडीशन क्या पाई जाती है कि क्रस्ट में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विकिरण की क्रिया होती है, विकिरण की क्रिया होने से यहाँ पर जो है तापमान कम रहता है। क्यों? क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थ को ताप चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए, और वो एक्टिव इतने तीव्र नहीं हो पाते जितने कि हीट से होने चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य ताप या हीट पैदा होती है और उसके बाद वो विकिरण द्वारा नष्ट भी होती रहती है, इसीलिए यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ लेके अधिक अधिक है लेकिन तापमान कम रहता है। ठीक है, और जिसका कारण मैंने बताया जैसे विकिरण के कारण से होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि रेडियो सक्रिय पदार्थ और तो ऊर्जा का संचरण जो भूत पर संभावित रूप से ठोस में यह संचरण के चालन द्वारा होती है, यानी ऊर्जा का संचरण भूपरपटी की ओर संभावित रूप से होता है। ऊर्जा का संचरण कैसे होता है, अगर मैं बात करूं जैसे ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक है, ऊर्जा कैसे जाती है, ऊपर की ओर भागती है ना, और ऊपर की ओर जाती है तो भूपरपटी की ओर संभावित रूप से होती है। ठोस में यह संचरण के चालन द्वारा होती है। जैसे मैंने तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाई थी, तो उसमें बताया है कि ऊष्मा का संचलन ठोस में जो गति होती है वेव्स की वो तीव्र हो जाती है, और जहां पर लिक्विड होता है वहां जो है तो गति धीमी हो जाती है। तो क्रस्ट में क्या होता है, यानी हम कहें क्रस्ट और अधोस्तर दो बताए थे पार, तो क्रस्ट में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक है लेकिन ऊष्मा कम होने के कारण इनकी गति यानी संवहन तरंगें उत्पन्न नहीं होती। जबकि दूसरा आता है हमारा अधोस्तर, तो अधोस्तर में क्या होता है कि यहाँ रेडियो सक्रिय पदार्थ तो कम होते हैं लेकिन तापमान अधिक गहराई में जाती है तो उतना अधिक हो जाता है कि इन जो है यहाँ पर संवहन तरंगें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय पदार्थ कहाँ अधिक रहता है, वो अधोस्तर में रहता है। तापमान कहाँ अधिक रहता है, वो अधोस्तर में रहता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ कहाँ सबसे अधिक होते हैं, वो क्रस्ट में होते हैं लेकिन वहां पर तापमान कम रहता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे दो स्थितियां रहती हैं। अब इनसे क्या होता है कि इस कंडीशन में क्रस्ट के नीचे दो स्थितियां बनती हैं। पहला कैसा कि दो संवहन तरंगें अलग अलग एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। यानी पहली कंडीशन क्या होती है कि दो संवहन तरंगें हैं वो इस तरह से विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अभी मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगी इसमें। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि संवहन तरंगें एक दूसरे की ओर समानांतर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जब जब विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अपसरण की क्रिया। ठीक है, जब विपरीत दिशा में हो रही है तो इसको बोलेंगे हम। ठीक है, एक तो ये विपरीत दिशा में, इस तरह से अगर मैं सिंपल बनाऊं ये एरो हो गया विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपसरण की क्रिया हो रही है, अपसरण की क्रिया हो रही है। और यहाँ पर क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तनाव होगा क्योंकि इधर भी वेव्स खिंच रही है, इधर भी खिंचाव हो रहा है, तो यहाँ पे बीच में क्या आता है, तनाव। ठीक है, जब वेव्स जो है तरंगे विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं तो दबाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। और दूसरे जो होता है उसमें क्या होता है कि दो जब संवहन तरंगे एक दूसरे के सामने प्रवाहित होती हैं, जैसे मैंने ये बताया, तो यहाँ से क्या होता है कि अभिसरण की क्रिया होती है, यानी एक दूसरे में अभिसरण की क्रिया होती है, यानी एक दूसरे में जो भारी होती है वो हल्के को दबाती है और अपने नीचे दबाकर उसे अभिसरण कर देती है। और जब अब ये दोनों आपने सामने आके हैं तो इसमें क्या है, एक क्या होगा क्षेपण की अभिसरण, जिसे कहते हैं हम कह सकते हैं एक नीचे दब जाती है एक ऊपर दब जाती है, जिससे क्या होगा कि दबाव की शक्ति उत्पन्न होती है। यहाँ पे दबाव उत्पन्न होगा क्योंकि नीचे की ओर, अगर मैं इसको सिंपल साफ बना के दिखाऊं, ये दो एरो आ गए,
ये है, अब ये नीचे की ओर अभिसरण करेगी, ये ऊपर की ओर, तो यहाँ पे क्या हो गया, दबाव उत्पन्न होता है, और जब दबाव उत्पन्न होता है तो यहाँ पर भूसन्नतियों का निर्माण होता है। स्थलखंड, इसमें आगे पढ़ते हैं, देखो इसमें स्थलखंड दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, खुले सागर में सागर का निर्माण हो जाता है, तो महाद्वीपों में प्रवाह होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो, दोनों विपरीत हैं, तो उसमें क्या भूसन्नति का निर्माण होगा या महाद्वीपों में प्रवाह होगा। ठीक है, अब ये चले, दो केंद्रों के से ऊपर उठने वाली संवहनिक तरंगें पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचकर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होकर एक दूसरे से मिलती हैं, जिस अभिसरण के कारण दबाव की शक्ति उत्पन्न होती है और भूसन्नति का निर्माण होता है। अब मैं इसको अगर समझाऊं डायग्राम से, देखो ये, ठीक है, अब ये क्या है, महाद्वीपीय क्षेत्र है, इसको बोलेंगे हम, ये महाद्वीपीय क्षेत्र है और ये महाद्वीप और महासागरीय क्षेत्र, यानी समुद्र तटों का क्षेत्र है, ये पूरा महाद्वीपीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर जो वेव्स चल रही है, एरो दिखा रखा है कि वेव्स कैसे चल रही है, नीचे से उठ रही है और विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, इससे क्या होगा, महाद्वीपों का निर्माण, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ से वेव्स जो है एक दूसरे के आगे सामने आके नीचे होती है, तो यहाँ पर मंग तटों पर धसाव की क्रिया होती है और धसाव होने से भूसन्नतियों का निर्माण होता है। यानी अब नेट के क्वेश्चन बाद में बताऊंगी, पहले इसको समझ लो। ठीक है, अब देखो, बात करते हैं धसाव से कैसे होता है, कि महाद्वीप एवं महासागर तली के नीचे तापमान अधिक होने से कुछ भाग को पिघलाकर भूसन्नति में जमा होती है। मैं इसको समझाऊं कि यहाँ पे क्या होता है, कि आप देखो ये ताप भूसन्नति एक दूसरे में आ रही है, दसाव की क्रिया हो रही है, तो यहाँ तापमान अधिक हो रहा है, तापमान अधिक होने से दसाव की क्रिया बढ़ रही है और भूसन्नतियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि होम्स ने जो है, होम्स ने जो है, ये ओम नहीं है, होम्स है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसे सही कर लेना, ये होम्स, तो होम्स ने पर्वत निर्माण की तीन अवस्थाएं बताई। अब देखो, जिन्होंने अपना सिद्धांत समझाया, पहला सिद्धांत समझ लो, इसमें क्या कहा है कि अब जैसे मैंने बताया था कि तीन जो वेव्स होती हैं वो कैसे होती हैं, ठंडी और गर्म होती हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, क्रस्ट पर सम जो रेडियो पदार्थ अधिक होता है लेकिन तापमान कम होता है, क्योंकि नीचे रेडियो पदार्थ कम होता है लेकिन तापमान अधिक होता है, जिस कारण से संवहन तरंगें चलती हैं। अब नीचे क्या है, हॉट है, तापमान अधिक है, तो ठीक है, यहाँ पर हॉट हो रहा है। ठीक है, अब हॉट होने से क्या हुआ कि हॉट के ऊपर क्या होगा, वार्म होगा, और वार्म के ऊपर कोल्ड होगा। ठीक है, तो संवहन तरंग कैसे चल रही है, हॉट, हॉट से वार्म, वार्म से कोल्ड, इस तरह से इनका प्रवाह चल रहा है। जब प्रवाह चल रहा है तो दशाब की क्रिया हो रही है, दशाब की क्रिया हो रही है तो भूसन्नतियों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि नीचे से यहाँ से धस रहा है, यहाँ से भी धस रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गड्ढे का निर्माण हो रहा है और भूसन्नतियों का निर्माण हो रहा है। अब इसमें अगर बात करूं, इन्होंने तीन अवस्थाएं बताई हैं, तो ये हमारी होम्स के द्वारा पर्वत निर्माण की पहली अवस्था है, ये जो है सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सी है, सबसे लंबी अवस्था है, यानी इसका टाइम पीरियड सबसे अधिक होता है, सबसे वेगवती तरंग कंडीशन है, यहाँ पर जो गति है ना वो बहुत अधिक रहती है, तो सबसे वेगवती है। और पर्वतों का निर्माण, तली में दशाव, गहराई में अवतलन, ये सब इसकी विशेषता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो अब मैं इसको सिंपल समझाऊं तो भूसन्नति में सबसे लंबी गति होती है और सबसे वेगवती तरंगें चलती हैं। जब तरंगें चलती हैं तो क्या होता है, वेगवती होती है, तो संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं, संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं, संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो जलमग्न तट जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था महाद्वीप और महासागर क्षेत्र होते हैं, तो जलमग्न तटों के नीचे पर्वत का निर्माण आरंभ होता है, यानी तलछटी में जमाव होता है, तो
ठीक है, संवहन तरंगें चलती हैं जिससे क्या होता है, तलछटी में जमाव। जब तलछटी में जमाव होता है तो तली धसती है, तली धसती है, तली धसती है तो गहराई में क्या होगा, अवतलन होगा, गहराई में अवतलन। यानी जो मलवा है वो कहाँ जाएगा, गहराई में जाएगा। जब गहराई में अवतलन होगा तो दबाव बढ़ेगा, ठीक है, और दबाव बढ़ेगा तो दबाव बढ़ने से क्या होगा, ताप से पदार्थ तप्त होगा। यानी दबाव बढ़ेगा तो हीट पावर पर हीट उत्पन्न होगी, और हीट उत्पन्न होगी दबाव बढ़ने से, दो चीजें होंगी, घनत्व भी बढ़ेगा, ठीक है, दबाव बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ने से फिर द्वारा से जब भारी हो जाएगा तो फिर द्वारा से दशा की क्रिया होगी। तो इस तरह से पहली अवस्था में संवहन तरंगें चलती हैं, सबसे तेज चलती हैं, उसके बाद में जब वो गति तेज होती है तो संवहन तरंगों से तलछटी है में जमाव होता है। तलछटी जमाव कैसे होता है, क्योंकि वेव चलती है तो बीच में गड्ढा उत्पन्न होता है, गड्ढे से तनाव मलबा धसता है, मलबा धसने से गहराई बढ़ती है, गहराई बढ़ने से दबाव बढ़ता है, दबाव और तापमान बढ़ता है। इस तरह की अवस्था ये सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है। अगर हम दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरी अवस्था में यहाँ पर तो संवहन तरंग गति और तीव्र हो जाती है, ठीक है। यानी सबसे अगर ये क्वेश्चन आता है तरंगे सबसे तीव्र, जो संवहन तरंगे हैं वो सबसे तीव्र होती हैं, और यहाँ पर जो है छोटी व कम समय, ये सबसे जो छोटी, इसकी अवस्था ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ये छोटी होती है, छोटी अवस्था। जैसे बताई थी ना प्रथम अवस्था कैसी होती है, सबसे बड़ी अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था छोटी अवस्था होती है। तरंगे तीव्र होने गिरते, जब तरंगे तीव्र होती हैं तो जो गिरते स्तंभ होते हैं, ये स्तंभ, इसको हम, यानी ये गिरता स्तंभ है, तो गिरते स्तंभ से शीतल पदार्थ का अवतलन उठने लगता है। यानी ये नीचे, अब क्या हुआ, पहले वहां नीचे हॉट था, अब नीचे क्या हो गया, कोल्ड आ गया। कोल्ड आ गई यानी संवहन तरंगों में जैसे ही दशा होता है तो ये मलबा जो है ऊपर की ओर उछलने लगता है, और उठते स्तंभ के साथ तप्त पदार्थों में प्रवाहित होते हैं। यानी ये नीचे धसता है तो ये ऊपर उठता है, और नीचे से तप्त पदार्थ जो है वो ऊपर की ओर आने लगता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, क्षैतिज संपीड़न होता है। क्षैतिज संपीड़न क्यों होता है, क्योंकि ये मलबा धस रहा है तो ये धसाव से ये खाली गैप बनना है, खाली गैप बनना है तो ये इधर की ओर मूवमेंट होने लगता है, तो क्षैतिज संचलन होता है, और पर्वतों का निर्माण आरंभ हो जाता है, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है ना, मलबा ऊपर आने लगा तो पर्वतों का निर्माण आरंभ हो जाता है। अगर मैं तीसरी अवस्था की बात करूं तो तीसरी अवस्था वो अवस्था होती है कि यहाँ पर संवहन तरंगें, देखो पहली अवस्था में संवहन तरंगें तीव्र होती हैं, दूसरी अवस्था में संवहन तरंगें बहुत तीव्र होती हैं, और तीसरी अवस्था में संवहन तरंगें कैसी जाती है, क्षीण हो जाती है, यानी नष्ट सी हो जाती है। संवहन तरंगें क्षीण ठीक है, कैसी जाती हैं, क्षीण, यानी बिल्कुल धीमी गति से नष्ट प्राय की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि गिरते स्तंभ गर्म पदार्थ का अंत हो जाता है। यानी जब बहुत एकदम कोई चीज को हम ऊपर से तीव्र गति से फेंकेंगे तो मलबा तीव्र गति से ऊपर के कीचड़ की तरफ आता है, और जब हम धीमी गति से फेंकते हैं तो कुछ नहीं आता। तो वही कंडीशन यहाँ होती है कि इन वेव्सों की गति बहुत धीमी हो जाती है, जिससे जो मलबा है वो आना बंद हो जाता है, और इस मलबे की गति जो है वो धीमी हो जाती है, और शीतल पदार्थ उठते स्तंभ पदार्थ का उठना आरंभ हो जाता है। यानी शीतल पदार्थ होती है, फिर से उठते स्तंभ का आरंभ हो जाता है, और उठते स्तंभ के कारण यहाँ पर पर्वतों का निर्माण समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा संवहन तरंग सिद्धांत। अब बात करते हैं कि नेट के एग्जाम में क्या क्या कंपलसरी है, क्या क्या याद करनी चीज है। तो पहला आता है हमारा कि संवहन तरंगें
पर किससे संबंधित है, पर्वत निर्माण संबंधित है। कब हुआ था, 1928-29 उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तीसरा, उनकी जो संवहन तरंगे हैं वो रेडियो सर्किट पदार्थ की क्या कंडीशन पाई जाती है, तो उसमें क्रस्ट और मेटल के बारे में बताना है कि क्रस्ट में जो है संवहन तरंगे यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है अधिक बनता है, लेकिन जो तापमान कम रहता है विकिरण की क्रिया अधिक रहती है, जिस कारण से यहाँ पर जो है ताप जो संवहन तरंगें वो अधिक तीव्र नहीं होती। जबकि अधो स्तर में तापमान अधिक रहता है, रेडिएटिव पदार्थ की कमी रहती है। तापमान अधिक होने से संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं। तरंग की तीन अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में अब जो हमारी संवहन तरंगें हैं वो तीव्र गति से चलती हैं, द्वितीय अवस्था में बहुत तीव्र चलती हैं। तो पहला एक क्वेश्चन ये होता है कि संवहन तरंगें सबसे तीव्र कहाँ चलती हैं, तो द्वितीय अवस्था में चलती हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, तो वो प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है पर्वतों का निर्माण कब खत्म हो जाता है, तो ये है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें जो नेट के हिसाब से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उस हिसाब से डाल रही हूँ वीडियो। साथ में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालती रहूंगी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।